हेलो, वेलकम टू। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण या एनवायरनमेंट के बारे में, साथ ही जो पर्यावरण और संसाधन के बीच क्या अंतर संबंध होता है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण का अर्थ। इस क्रम में विभिन्न जो पारिस्थितिकविद एवं भूगोलवेत्ताओं द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, सबसे पहले उन पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख पारिस्थितिकविद टांसले द्वारा दी गई परिभाषा। टांसले मानते हैं कि पर्यावरण प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग होता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। फिर भूगोलवेत्ता डडले स्टाम भी कुछ इस प्रकार की परिभाषा प्रतिपादित करते हैं कि पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित एवं निर्धारित करता है। जहाँ टांसले प्रभावकारी दशाओं का योग बताते हैं, वहीं स्टाम्प भी पर्यावरण को उन प्रभावों का योग बताते हैं जो जीव के विकास को निर्धारित करता है। तो टांसले के अनुसार उन प्रभावकारी दशाओं का योग होता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। पार्क के अनुसार पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है। यहाँ पार्क भी पर्यावरण हो गया कुछ दशाओं का योग के रूप में स्वीकार करते हैं जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पे आवृत्त करती है। पार्क अपनी परिभाषा में जीव जंतुओं के बजाय मानव को केंद्र में रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर तीनों परिभाषाओं को देखें तो मोटे तौर पे इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात कि पर्यावरण क्या है, प्रभावकारी दशाओं या प्रभावों या दशाओं का कुछ योग है। दूसरा, ये दशाएं कौन सी दशाएं हैं? ये वो दशाएं हैं या वो सराउंडिंग है जो जिनमें क्या रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, या फिर ये वो दशाएं हैं जो जीवों का जो विकास है उसको क्या करती हैं, प्रभावित परिवर्तित या निर्धारित करती हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम अगर पर्यावरण को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उन सभी दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो कि जीवों के विकास एवं जीवन तथा मृत्यु या जीवन चक्र को प्रभावित करता है। अब देखते हैं पर्यावरण के घटकों के बारे में। पर्यावरण के दो घटक होते हैं। वैसे कई प्रकार इसके घटक या कंपोनेंट्स को कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इसको मुख्यतया दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला अजैविक, दूसरा जैविक। जो अजैविक या एबायोटिक घटक हैं वो प्रमुख हैं जल, वायु, ताप, मृदा, आर्द्रता, धरातल आदि। ये जो भौतिक जो पर्यावरण है, या इसको कहें तो जो पृथ्वी का धरातल या फिर जो भौतिक भूगोल में आप जो पढ़ते हैं सब, उन सब के जो भौतिक बोल के वो तत्व हैं जो क्या करते हैं, पर्यावरण का भाग होते हैं या फिर जो जीवों के विकास को प्रभावित करते हैं, वो सब तत्व है किसके अंतर्गत आएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत। इसमें आपका स्थल मंडल हुआ, जल मंडल हुआ तथा साथ ही वायुमंडल, तो इन सब के जो तत्व हैं वो अजैविक पर्यावरण के तत्व हैं। दूसरा है जैविक या बायोटिक। इसके अंतर्गत वे सभी तत्व आते हैं जिनमें क्या होता है, एक जीवन चक्र पाया जाता है। इनमें क्या, जो समस्त जीव जंतु, पादप, साथ ही मानव भी इसी श्रेणी में आता है। अब अगर पर्यावरण को देखें तो इसमें सबसे अगर अहम भूमिका किसी तत्व की वो है मानव। इसलिए हम पर्यावरण को दो तरीके से देखते हैं। पहला, जिसमें मानव को हटाकर, अगर मानव को हटा दें पर्यावरण से तो शेष जो भाग बचता है उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत समस्त अजैविक तथा जीव जंतु पादप आदि मनुष्य को छोड़ दे बाकी सारे जैविक घटक उसके अंतर्गत समाहित होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण में से प्राकृतिक पर्यावरण के भाग को हटाएं तो शेष जो बचता है मानव अर्थात मानवीय पर्यावरण या उसका सांस्कृतिक पर्यावरण, मनुष्य जो अपनी समझ जो संस्थाएँ बनाता है, उसका समाज, संस्कृति,
उसका अधिवास, उसकी जना की विशेषताएं, ये सब क्या कहलाती हैं? मानवीय पर्यावरण। तो हम पर्यावरण को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय पर्यावरण। तो इनके बारे में विस्तार से आपकी इकाई 4 में टॉपिक है, पर्यावरण का वर्गीकरण प्राकृतिक एवं मानवीय, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार जो पर्यावरण और संसाधन परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। संसाधन क्या होता है? संसाधन वो तत्व होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। और पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण वो उन समस्त तत्वों, प्रभावों और दशाओं का योग होता है जो मानव समेत सभी जीवों को, विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार संसाधन क्या है? पर्यावरण का ही भाग है। संसाधन क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं, पर्यावरण में तो समस्त तत्व आ जाएंगे जो मानव के चतुर्दिक होते हैं, उसको, विकास को प्रभावित करते हैं। उसके अंतर्गत संसाधन वे तत्व होंगे जो क्या करेंगे? मनुष्य के लिए उपयोगी होंगे या मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर पर्यावरण अगर सेट है तो उसके अंदर संसाधन क्या है कि सबसेट है। तो लेकिन साथ ही ये भी है कि पर्यावरण के जो समस्त तत्व वो क्या नहीं होते? संसाधन नहीं होते। अब अगर इसमें मानव को अलग से देखें तो मानव के अगर वो सेंटर में रख के देखें तो मानव क्या करता है? अपने जो समस्त संसाधन है उनको कहाँ से प्राप्त करता है? पर्यावरण से प्राप्त करता है। और प्रत्युत्तर में क्या करता है? संसाधनों के उपयोग से क्या होता है? संसाधनों का अगर उपयोग एक निश्चित सीमा से अधिक करता है तो उससे क्या होता है? पर्यावरण पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। हमारी जो इकाई 5 है जिसमें हम जो इकाई 4 के भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो इकाई 4 और 5 में हम क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे किस प्रकार संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है।